कथा चल रही हो? ये हा 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 कर उनको हा 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 करने की इच्छा हो रही है। सोचो कि याद तरह से कोई राम को विरह होता है बाकी आग बुझ सके, राम को विरह होता है तो याद तरह से आग बुझने के बजाय हंसी आने लग जाए कि भी क्या हो गयो। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो हर आग बुझाने के अलग अलग तरीका है, व्यवहार परिभाषित हो गए। ये मैंने दुख प्रकट हो रहे है कि कॉमेडी प्रकट हो रही है, अपने को निश्चय नहीं हो पा रहे। अपन तटस्थ दृष्टि से देखें तो अपने को लगे कुछ कॉमेडी हो रही है और कोई को भाव हमें इन्वॉल्व हो जाए तो शायद दुख भी होता होगा, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं, क्योंकि आदमी का स्वभाव बहुत अलग अलग है। तो व्यवहार जो है समाज में व्यक्ति को व्यवहार परिभाषित हुआ है, और वो व्यक्ति को व्यवहार जो परिभाषित हुआ है, परिभाषित तो मैंने चौकस व्यवहार जाको अपन कह ना, कि हर समाज में यदि कोई व्यक्ति है तो वहां को एक व्यवहार निश्चित हुआ है, चौकस हुआ है। हम गुसाइयन को व्यवहार पुष्टिमार्गी समाज में, पुष्टिमार्गी टोला की बात नहीं कर रहे हूं, पुष्टिमार्गी हर्ड की बात नहीं कर रहे हूं, मैं याहू की बात नहीं कर रहे हूं। याहू मैंने समझो क्या, अरे एक फिल्मी गाना आता ना, याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफान में फंसे हैं हम क्या करें। तो याहू की बात नहीं कर रहे हूं, समाज की बात कर रहे हूं। एक याहू हो गए, याहू का मतलब जंगली तरह का व्यवहार। तो पुष्टि मार्ग में याहू इनकी बात नहीं कर रहे हूं, पुष्टि मार्ग में यदि हम आचार्य हैं याहू नहीं है तो हमारा व्यवहार भी परिभाषित होना चाहिए। भाई ये हमारा व्यवहार होगा, शांत चित्त से एक वक्त विचारो कि हमारा व्यवहार पुष्टि मार्ग में, हमारे व्यवहार की परिभाषा क्या होनी चाहिए। शास्त्र के हिसाब से ग्रेड हैं, आचार्य, उपाध्याय, गुरु और ऋतिक। आचार्य की परिभाषा कैसे करे शास्त्र, वो मैंने आपको बताई कि जो शास्त्र को आचयन करे, आचिनोति शास्त्राणी स्वाचार्य स्थापयस्त्यपि यस्माद् उपदिशत त्यन्यान् तमाचार्यं प्रचक्षते, वाकु आचार्य कहो जाए। हर व्यक्ति को आचार्य नहीं कहो जाए, उपनीयतु यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् द्विजः सरहस्यं सकल्पं च तमाचार्यं प्रचक्षते। कोई को भी शिष्य को दीक्षा दे के, उपनयन खुद के पास बुला के, खुद के पास बुला के, खुद के पास रख के, और जो शास्त्र पढ़ावे और वाके रहस्य पढ़ावे, वाकू जीने की स्टाइल पढ़ावे, वाकू आचार्य कहो जाए। वहीं ये परिभाषा करिए कि आचार्य और उपाध्याय में क्या अंतर, तो कहें कि सारो वेद नहीं पढ़ावे और ना खुद के पास बुलावे, ना खुद ने दीक्षित किया है, पर कोई को कोई बात की एक्सपर्टाइज है तो वाके पास कोई पढ़ने चले जाए और वो वेद वाकू पढ़ावे, तो वो आचार्य नहीं कहवा के उपाध्याय कहवावे।
ये अपनी ये जो परिभाषा है यही जैनन के नवकार मंत्र में भी आ रही है, नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्चाणम, नमो सव्वलोये सुसाहूणम। नमो अरिहंताणम मने अरहत जो मुक्त हो गए उनको नमस्कार, नमो आयरियाणम मने नमो आचार्याणम, नमो उवच्चाणम, उवच्च मने उपाध्याय। ये जितने तुम्हारे गुजराती में ओझा है ना वो उपाध्याय को अपभ्रंश है, बिहार में जो झा है वो भी उपाध्याय के अपभ्रंश है। मूल शब्द तो उपाध्याय, वाको उवच्छा, उवच्छा को ओझा, ओझा को वहां झा रह गया, तो ये उपाध्याय है, ये आचार्य नहीं है। तो ये अपने में भी है, जैन में भी वातरिक की व्यवस्था है। तो आचार्य उपाध्याय और वाक्य बाद आवे गुरु। गुरु क्या कि जाने कुछ भी विद्या तुमको सिखाई तो वो तुम्हारो एकाक्षर प्रदातारम गुरुम विद्या शास्त्र को कहे। वाक्य बाद एक कैटेगरी आवे ऋत्विक की। ऋत्विक की कैटेगरी क्या कि जो तुमको पढ़ावे नहीं है पर तुम्हारे धर्माचरण में तुमको एसिस्ट करे है, अथवा तुम्हारे बिहाफ से कोई धर्माचरण करे है, तुम्हारे बिहाफ में गुजराती में जाकू तमारा वती, जैसे तुम पाठ नहीं कर सको तो वो पाठ कर दे। राजस्थान में हमारे कई लोगों के यहाँ ऐसा भी व्यवहार चले कि वो एकादशी खुद नहीं करें, कोई ब्राह्मण को बुला के 100 रुपया दे दे के हमारे तरफ से एकादशी करिए। वो ब्राह्मण पास एका 100 रुपया मिले तो ज्यादा खाते हुए एकादशी करने के बजाय, क्योंकि आने 3-4 जगह से ऐसे 100 रुपया ले लिया एकादशी करने के। तो ये सब जो है ना वो प्रकार कोई के तरफ से कुछ करना खुद नहीं करना, वो सब ऋतिक के प्रकार में आवे। वो हमें अच्छे भी हो सके हैं, कोई फ्रॉड भी हो सके, आचार्य में भी कोई अच्छे हो सके, पप्पू हो सके, आचार्य में भी कोई सच्चे आचार्य हो सके, उपाध्याय में भी कोई सच्चे उपाध्याय हो सके, उपाध्याय में भी कोई पप्पू उपाध्याय हो सके, गुरु में भी कोई सच्चे गुरु हो सके, गुरु में भी कोई पप्पू हो सके, ऐसे ऋतिक में भी कोई सच्चे ऋतिक भी हुए हैं और ऋतिक में भी कोई पप्पू ऋतिक भी हुए हैं। सब जगह पप्पू तो ब्रह्म की तरह व्यापक है, तो वहां में कोई चिंता की बात नहीं है। पर एक सिद्धांत की बात अपन ये समझ सकें कि समाज यदि है तो समाज में व्यक्ति को जो रोल है वो परिभाषित हो गए, परिभाषित व्यक्ति के रोल की परिभाषा के बिना समाज नहीं घड़े जा सके। अब वो चाहे देख लो तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी हर एक को रोल एक जैसा नहीं हुआ है, नर्स को कुछ रोल हो गया है, वार्डन को कुछ और रोल हुआ है, कंपाउंडर को कुछ रोल और हुआ है, चीफ जो मेडिकल वार्ड पर वो हुआ है वहाँ को कुछ रोल हुआ है। क्रिकेट देख लो तो वहाँ में भी रोल है, एक बैटिंग को रोल है, एक फील्डिंग को रोल है, एक बॉलिंग को रोल है। अब वह रोल के तरह वो चल रहे हो तो वो क्रिकेट चल रही है, अचानक जो है वो कोई ने बॉल मारे हो और बैट्समैन जो है वो विकेट की रक्षा करने के बजाय हॉकी की तरह बॉल को लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर कर देते हो, क्या चौका माने जाएगा? ऐसे तो नहीं होएगा ना। यदि स्पोर्ट है तो एक रोल है वाको कि तुमको रन करना है या विकेट से वा विकेट के बीच में हॉकी की तरह स्टिक में बॉल को फंसा के चौका लगा देना, बाउंड्री के पार कर देना बॉल को, वा करने से चौका नहीं माने जाए। तो हर एक को रोल परिभाषित है, सेना में भी रोल परिभाषित है, कोई कमांडर हो है, कोई विंग कमांडर हो है, कोई लेफ्टिनेंट हो है, कोई कर्मनेंट वो हो है, तो बाकी सब भी रोल परिभाषित है, हर जगह रोल परिभाषित है। ऐसे संप्रदाय है तो संप्रदाय में भी रोल परिभाषित होगा। हमारा रोल क्या, क्या हम दूसरे के वती सेवा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं? अब यहां पर डिसाइड करना तो कैसे अपन करें, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मा ने कौन से पैरामीटर पर डिसाइड करेंगे? जो हमको रोल अच्छा लग गया वो हम अदा करेंगे, तुम बोलने वाले कौन हो वो? तो याहू हो गई ना। जब कोई यूं कहे जो हमको लग रहा है अच्छा वो करेंगे, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, हम प्यार के तूफान में फंसे, हम क्या करें भाई, फंसे हो तो फंसे हो, पर भाई समाज में या तरीके फंसनो, समाज के बजाय समझ बना दे। जानवर के टोला में, जानवर के
और मनुष्य के समाज को अंतर क्या रह जाएगा, यह व्यावहारिक समस्या है। कोई को याहू आ जाए नहीं आ जाए ऐसी बात नहीं है, याहू आ जाना स्वाभाविक बात है, क्योंकि गाड़ी भी चलती फेल हो जाए, कोई वक्त ब्रेक फेल हो जाए, कोई वक्त क्लच फेल हो जाए, कोई वक्त बैटरी फेल हो जाए, कोई वक्त डायनामो फेल हो जाए, कोई वक्त दिमाग फेल हो जाए, सब तरह का व्यवहार हो सके। तो वहां में कोई चिंता की बात नहीं है, समझने की बात यहां में कि जो आइडियली होना चाहिए वो और जो हो जा रहे है वो लफड़ा अलग अलग है। और जैसे मैंने आपको बताई, भाई दादाजी ने कही थी कि प्रवचन करियो बांच के, सीधी सी बात है थी, पांच छह पेज पढ़ के बोलने थे पर फेल हो गए, क्या करें, कभी ऑडियंस को सामना नहीं किया, फेल हो गए, फेल हो जाए तो लफड़ा हो जाए। वो फेलियर की कथा नहीं है, आइडियल की कथा है कि आइडियली क्या होना चाहिए रोल, आइडियली रोल क्या होना चाहिए वहां को जब अपन विचार करें तो एक बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी क्या हमें आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष दम्भादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधरा। जो भागवत तत्वज्ञ है मने तुम्हारे को तुम्हारी संदेह को दूर तुम्हारे संदेह को दूर कर सकते हो, संदेह दूर करना तो कोई भी वकील भी दूर कर दे, कोई भी टीचर भी दूर कर सके, ऐसे नहीं। कृष्ण सेवा परम वीक्ष श्री भागवत कृष्ण सेवा पर भी वीक्ष होना, कृष्ण सेवा पर भी होना चाहिए स्वयं। अब जब कृष्ण सेवा पर है वो कृष्ण सेवा भी पाची कमर्शियल हेतु से भी हो सके है, लाभ पूजार्थ भी हो सके है, वो सिखाने के लिए भी हो सके है, डेमोन्स्ट्रेशन के भी लिए हो सके, कई तरह से कृष्ण सेवा हो सके। कौन सी तरह की कृष्ण सेवा हमारे रोल में आ रही है? अब एक बात समझो, आजकल बहुत सारे पप्पुए ऐसे कहें कि ये जो है छप्पन भोग है वो याग है, ये जो है वो याग है, ये याग है याग है। शास्त्र ने याग को परिभाषा निर्धारित करी है कि यदि तुम ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण जो है वो ऋत्विक के नीचे की कक्षा है, हम ध्यान से समझो, ब्राह्मण ऋत्विक हो गए, ऋत्विक जो है वो गुरु हो जाए, क्योंकि ऋत्विक सिर्फ कर्म कराने में तुम्हारो पौरोहित करे, वो तुम्हारो गुरु नहीं है, और गुरु जो है वो कुछ तुमको ज्ञान दे रहे हो वाको नाम गुरु है, और वो ज्ञान देने वालों जो वेद को वो एक कोई अंश पढ़ाते तो हो तो वो गुरु नहीं होके उपाध्याय है, और वो उपाध्याय यदि तुमको तुम्हारे पास रख के दीक्षा दे के कर रहे हो है तो वो आचार्य है। मैंने आपको ये बात भी बताई कि ये आचार्यत्व जो वेद को आचार्यत्व तो वो आचार्यत्व एक दूसरो हतो प्रकार, वो वेद के कॉन्टेक्स्ट में तो वाक्य बात संप्रदाय आचार्यत्व प्रकट भयो, और वो संप्रदाय आचार्यत्व क्यों प्रकट भयो, क्योंकि बहुत सारे वैदिक आचार के जो प्रकार हते वो कि सिस्टम कोलेप्स हो गई। सिस्टम क्यों कोलेप्स भई कि जो महाप्रभु जी आज्ञा करना है कि वर्णाश्रम वताम धर्मे मुख्य नट्टे छले न तु प्रिय माणे न धर्म स्याद अतस तस्मान न मोचनम। वर्णाश्रम को जो स्ट्रक्चर है तो वो युधिष्ठिर वा बखत द्वापर के अंत में कह रहे है कि वो कोलेप्स हो गया है। जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्व महामति शंकरात सर्व वर्णा नाम दुष्परीक्षिति में मति। तो द्वापर के अंत में यदि ये सब जाति तरह खत्म हो गई तो आज कोई वो जाति होंगी नहीं है, तो स्ट्रक्चर खत्म भयो, चैप्टर खत्म भयो। तो वाक्य संदर्भ में तो आचार्य को रोल को करने को जैसे हम यूं कहें, एक बात बता रहे हूं, वेद पढ़ाने को अधिकार कौन को, तो ब्राह्मण को। शास्त्र कहे कि वेद पढ़ा ब्राह्मण नहीं मिलता है तो क्षत्रिय को वेद पढ़ाने को अधिकार है, पर वह को आचार्य बनने को अधिकार नहीं है, वो तो ब्राह्मण को प्रिविलेज है। क्षत्रिय को वेद पढ़ाने को अधिकार है तो पढ़ा भी दे तुमको तो गुरु कहवाएगो कि भाई मेरे गुरु है ये क्षत्रिय, पर आचार्य नहीं कहवाएगो, क्योंकि ये रोल समाज में क्षत्रिय को नहीं दिया गया तो ये रोल समाज में परिभाषा के अनुसार वेद की परिभाषा के अनुसार ब्राह्मणन को दिया गया। तो महावीर और बुद्ध ने या के अगेंस्ट रिवोल्ट कियो और उनने कही क्यों हम आचार्य नहीं हो सके क्षत्रिय होने के कारण, और वाक्य कारण जब ब्राह्मण ने वह बात को अपोज कियो कि भाई ये शास्त्र में तो लिखे नहीं है कि क्षत्रिय आचार्य हुए, तो उन्होंने कही ठीक है वह शास्त्र को हम गुड बाय कर रहे हैं, हम हमारा नया शास्त्र प्रकट कर रहे हैं,
नया शास्त्र प्रकट करके नए शास्त्र के हम नए आचार्य हैं। वो आचार्य हो गए, नमो आयरियाणम कह रहे हैं, बुद्ध भी आचार्य हो गए, क्योंकि उनने नया शास्त्र प्रकट किया और वो वा शास्त्र को पढ़ाते ही नहीं थे। तो जैसे उनने नया शास्त्र प्रकट किया और नए शास्त्र के वो आचार्य भए महावीर और बुद्ध, ऐसे परवर्ती संप्रदाय में जो वेद को मानने वाले थे उन आचार्य ने ये चिंता करी कि भाई अब या वक्त में वैदिक धर्म को जीवाने को क्या अपने पास उपाय होना चाहिए। तो उन्होंने सांप्रदायिक आचार्यत्व प्रस्तुत किया, वैदिक आचार्यत्व नहीं। बात ध्यान से समझो, अपन ने विरोध भी नहीं किया महावीर जैन की तरह वैदिक आचार्यत्व को, अपन ने वाक्य लिए शहीद होना भी उचित नहीं समझो कि वो नहीं आचार्य हो सके तो अपने आचार्य को रोल नहीं करना। महावीर और बुद्ध ने अपोजिशन में किया, अपनी बात ये थी कि अपोजिशन में अपन नहीं थे, अपन को ये ख्याल है तो, क्योंकि महाप्रभु जी कहें कि वेद शास्त्र विरोधे पी येषाम कर्ण कर्ण मन अपि ते ही पाषंडिनो किया, अपने आप पाषंड की परिभाषा वेद शास्त्र के विरुद्ध में जानो पाषंड है। बात ख्याल में आया ना, तो अपने को पाषंडी नहीं बनना है। जाकू महाप्रभु जी कृष्णाश्रय में कहें पाषंड प्रचुर लोके कृष्ण एवगतिर मम, पाषंड माने वेद को विरोध। आज अपन पाषंड को मतलब समझें कि ढोंग करनो, वो ढोंग जो है ना, एक बात समझो, बात कि ढोंग कब ढोंग है, जब सामान्य माने जाको अपन मेजोरिटी कहे हैं वाको एक नॉर्म होए बिहेवियर को, वह नॉर्म को नहीं ता पाल के तुम कुछ याहू कर रहे हो, तो जो सामान्य व्यवहार है वहां में तुमको याहू माना जाएगा, भाई तुम कुछ याहू पनो कर रहे हो, और वो याहू को ढोंग कह जाते हो। यदि तुम याहू पनो कर रहे हो तो या समाज में क्यों हो। आप आज भी देखोगे कि बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जो भारत को कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध करें, जो भारतीय संस्कृति को विरोध करें, वो हिंदुस्तान में नहीं रहे पाकिस्तान में जाए। क्यों? क्योंकि जो भारत संस्कृतिवादी हैं, भारत संविधानवादी हैं, उनको वो वा तरीके व्यवहार याहू को व्यवहार लगे। बात समझ में ही ना, तो पाषंड लगे। पर यदि आपने एक अपना समाज बनाया है और याज्ञवल्क्य याकु बहुत अच्छे ढंग से खूबसूरती से समझा हुआ है याज्ञवल्क्य स्मृति में कि यदि पाषंडीन को भी कोई समाज है तो वह समाज को तोड़ने को अधिकार अपाषंडीन को नहीं है। राजा को कर्तव्य है कि पाषंडी के समाज को भी संरक्षित करे, पर वह को यह कहकर संरक्षित करे कि पाषंडीन को समाज है। जैसे वेद को विरोध में जे महावीर और बुद्ध आए तो अपन ने उनको मारे नहीं, अपन ने उनको मारे नहीं, अपन ने कभी बुद्ध की मूर्ति तोड़ी नहीं, अपन ने कभी महावीर के मंदिर को तोड़े नहीं, तो अपन ने यह कहा भाई ये तुम्हारा और हमारा व्यवहार अलग अलग है, क्योंकि तुम कुछ, तुम्हारी कुछ मान्यता कुछ और है, तुम्हारी जो समाज की परिभाषा है वो कुछ और है, समाज को समाज में व्यवहार के तुम्हारे जो पैरामीटर हैं वो कुछ और हैं, हमारे पैरामीटर कुछ और हैं। इतने ही भयो, ये अपने यहाँ की संस्कृति है थी। कभी अपन ने जैन मंदिर तोड़े नहीं, अभी भी आप अदौरा में जाओ तो शैव मंदिर, बुद्ध मंदिर और जैनन को मंदिर तीनों एक लाइन में है। ग्वालियर में जाओ, ग्वालियर के किला में जैन बौद्ध और शैव सब साथ हैं, समाज में अपन साथ आते पर अलग अलग समाज बट के या तरह से रहते। तो खत्म करने की बात नहीं आती, रागत द्वेष वाल लगवल पर नहीं आते, पर रागत द्वेष नहीं होना वाक मतलब ये नहीं कि तुम और हम एक हैं, तुम्हारा अलग है हमारा अलग है। वह तरह से अपने अतीत भारत की व्यवस्था थी, ये अद्भुत व्यवस्था थी। भारत के संस्कृति के एक असाधारण महत्ता है कि अपन अपने विरोधी को भी सहन करें हैं, विरोधी को अपन खत्म नहीं करे हैं, पर विरोधी को सहन करने के बावजूद अपन ये नहीं कहें कि सबसे हमारा अविरोध है। जासु विरोध है, वासु विरोध है, विरोध होते हुए भी विरोध है। वैष्णव शैवन में भी अलग अलग संप्रदाय होते, उनको विरोध कैसा विरोध है, तो भाई तुम शिव विष्णु पूजा मत करियो, चलो हम शिव पूजा नहीं करेंगे। पर न कोई शैव ने आज तक विष्णु मंदिर तोड़ो, न कोई वैष्णव ने आज तक शिव मंदिर तोड़ो, ये अपने की संस्कृति है थी। और न ये बात ध्यान से समझो
कि न कोई शैव ने आज तक विष्णु भगवान नहीं है यह स्वीकार्यो, न कोई वैष्णव ने आज तक ऐसे स्वीकार्यो कि शिव भगवान नहीं है। महाप्रभु जी यहां तक आज्ञा करें कि अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयो उदितौ। ब्रह्म खुद दो रूप से बने हैं, शिव रूप से भी बने हैं, विष्णु रूप से भी बने हैं, पर हमारे यहाँ धर्म के तहत शिव पूजन नहीं होके विष्णु पूजन है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म के तरीके विष्णु पूजन नहीं होके शिव पूजन है। आयो ख्याल में, जो शाक्त थे वो कहते थे कि हमारे यहाँ शिव विष्णु को नहीं है, क्योंकि शिव विष्णु दोनों जो हैं वो शक्ति के दास हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं शिव शक्त्यायुक्त यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचे देवम देवो न खलु कुशल स्पंदितमति। शिव में से शक्ति को इकार निकाल दो तो शव बन जाए, या शव बन जाए या पे कोई शैव और शाक्त में कभी झगड़ा नहीं भयो। मजा ले अपन यह बात की, ओहो शिव में से शक्ति को ये निकाल दियो तो शिव नहीं रहते वो शव बन गयो। न कोई शाक्त ने कभी यह बात को शिवलिंग तोड़ो, न कोई शैव ने कभी देवी की मूर्ति तोड़ी। ये अपने यहाँ की एक कल्चर रहती है, या बात को तो अपने को समझ नहीं पड़ेगा। पर साथ में ये भी है कि या के लिए अपन यो मान ले कि शैव मत और शाक्त मत एक है, वो बात गलत है। आपको आश्चर्य होगा या बात को जान के शंकराचार्य के साथ अत्याचार वैष्णव ने नहीं किए, शैव ने किए। झगड़ा बढ़ गया एक लेवल पे उनके आपस में, तो हत्या करने तक गए थे, वैष्णव नहीं गए थे। जबकि झगड़ा वैष्णव को ज्यादा है, शैवन को थोड़ा झगड़ा है। ऐसा हो है। ये सब विषय सिद्धांत के नहीं है, मेरे कहने का मतलब है ये सब व्यवहार में आती भाई च्युति है, या तरह से व्यवहार च्युत हो जाए है। तो ऐसे व्यवहार की बहुत सारी च्युतियों में कि जो व्यवहार होना चाहिए वो अपन नहीं कर पावे, और वो याहू प्रकट हो जाए कई वक्त, वो याहू प्रकट हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए। डिसाइड सदाचार के लेवल पे हमारे बड़े याहू करके आए करके हम याहू करेंगे। मुझको पता नहीं है कि शम्मी कपूर को बेटा है कि नहीं, पर वो याहू करे कि नहीं देखना चाहिए। शायद तो शम्मी कपूर ने याहू किया तो ना, हाँ इंक्वायरी करनी चाहिए कि शम्मी कपूर को बेटा याहू करे कि नहीं करे। तो जरूरी नहीं है कि बड़े ने याहू किया तो अपन भी याहू करें। भाई जाने की हो नहीं की हो, अपने को क्या करना चाहिए वो तरह से करने को अपनों होना चाहिए। अब अक्सर ये अपन आर्ग्यूमेंट होता है कि अपनों रोल यदि आचार्य को है तो अपन, यदि गोस्वामी बालक महाप्रभु जी के वंशज को रोल संप्रदायाचार्यत्व को है कि नहीं, व्यवहार में संप्रदायाचार्यत्व को है कि संप्रदाय में उपाध्याय होने को है कि संप्रदाय में गुरु होने को है कि संप्रदाय में ऋत्विक होने को है, पुरोहित होने को है, या गुजराती में गौर महाराज को हो कि संप्रदाय में केवल ब्राह्मण होने को है। रोल तो फिक्स करना पड़ेगा ना। यदि रोल फिक्स करना है तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र को स्पष्ट आज्ञा यह है कि यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह ये ब्राह्मण तत्व छह कर्म से घड़े जाए, छह कर्म से ब्राह्मण तो घड़े जाए है। पहलो कर्म है वाको यजन, यजन यज्ञ करनो, याजन जाकू यज्ञ करनो नहीं आतो होए वाकू यज्ञ करवानो, यजन याजन अध्ययन खुद स्वाध्याय करना वेद को, और जाकू वेद नहीं आतो है वाकू वेद को अध्यापन करवानो, दान खुद दान देनो। आजकल ब्राह्मण के बारे में दान लेना ही प्रसिद्ध है, पर दान लेने को नाम ब्राह्मण नहीं है, शास्त्र स्पष्ट कहे दान देने को नाम ब्राह्मण है। और शास्त्र यहां तक कहे कि प्रतिग्रहम मन्यमानस तपस तेजो यशो नुदम अन्याभ्यामेव जीवेत। जा वक्त तुम दान दे नहीं रहे हो और दान लेने को ही तुम्हारी आजीविका बन गई, वह वक्त तुम्हारो ब्राह्मण को तेज, ब्राह्मण को यश, ब्राह्मण को तपस तेजो यश, तुम्हारो तप सब खत्म हो गया। प्रतिग्रह कौन को छूटे, दान लेने की और दान देने की। दान देना ब्राह्मण को धर्म है, दान लेना ब्राह्मण की आजीविका है।
यजन करना ब्राह्मण को धर्म है, याजन करवाना ब्राह्मण की आजीविका है, वेदाध्ययन करना ब्राह्मण को धर्म है, वेदाध्ययन करवाना ब्राह्मण की आजीविका, अध्यापन करवाना ब्राह्मण की आजीविका है। यदि हम गुरु नहीं हैं, यदि हम आचार्य नहीं हैं, यदि हम ऋत्विक भी नहीं हैं, हम समझो कि पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण को रोल अदा कर रहे हैं, तो अभी हमारे वा लेवल पे भी, वो एकदम डाउन लेवल जो है वा लेवल पे भी शास्त्र कह रहे हो कि यजन करना तुम्हारा धर्म है, याजन तुम्हारी आजीविका है। क्या पुष्टि मार्गी वल्लभ कुल वंशज की तुम्हारे बिहाफ में सेवा करना आजीविका है? यदि आजीविका है तो बात स्पष्ट हो गई कि देव पूजन को, अपने देव पूजन को आजीविका जो बना रहे हो है वो ब्राह्मण नहीं है, वो चांडाल जितना पवित्र है। वो चांडाल जितना पवित्र है, हव्य कव्य सुगर्हित है। तब डिसाइड करो ना कि रोल क्या है समाज में, सिद्धांत कौन ने खायो कौन ने नहीं खायो, कौन देवलक है कौन देवलक नहीं, ये तो सब बात की कथा है ना। अब तो व्यवहार की औचित्य की कथा है कि समाज में तुम्हारा रोल क्या है। क्या ब्राह्मण तरीके रोल है? वहां से ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ब्राह्मण को धर्म तो यजन अध्ययन और दान है। ब्राह्मण लेवल पे अध्यापन याजन और प्रतिग्रह तो ब्राह्मण की आजीविका है। तो तुम कबूल करो एक बात कि तुम्हारी सेवा तुम्हारी भक्ति नहीं हो के तुम्हारी आजीविका है। आजीविका माने व्यापार धंधा है। यदि व्यापार धंधा है तो बात स्पष्ट हो गई कि तुम आचार्य को रोल अदा नहीं कर रहे हो, तुम उपाध्याय को भी रोल अदा नहीं कर रहे हो, तुम गुरु को भी रोल अदा नहीं कर रहे हो, तुम ऋतिक को भी रोल अदा नहीं कर रहे हो, तुम तो चांडाल को रोल अदा कर रहे हो। पुष्टि मार्ग में व्यवहार की परिभाषा होनी करनी पड़ेगी ना, तुम्हारा व्यवहार क्या होना चाहिए समाज में। यदि तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी को सुख को विचार कर रहे हैं, तो तुमको ठाकुर जी के नाम पर प्रतिग्रह की छूट नहीं है। प्रतिग्रह मन्य मानस तपस तेजो यशो नुदम, तुम्हारो तप वल्लभ कुल के तरीके, तुम्हारो यश और तुम्हारो तपस तेज तेज तीनों क्षीण हो रहे हैं, और तप तेज और यश क्षीण हो रहे हैं। वाको स्पष्ट प्रमाण यह है, स्पष्ट प्रमाण यह है कि महाराजन ने जो मंदिर खोले, जो मंदिरें खोले, वैष्णवन ने सूट फाइल फाइल करके और ये प्रूव किया कि महाराज को मंदिर नहीं है, ये ठाकुर जी पब्लिक को है। तो जब और वैष्णव में बहुत सारे महाराजन ने तो खुद जाकर ये कबूल किया कोर्ट में कि ठाकुर जी हमारा नहीं है, ये तो पब्लिक को ठाकुर जी है। और मेरे एक पप्पू ने मुझसे कही कि श्यामू काका अपन ऐसे कर दें तो उनकी क्या करना है, बोले बचने के लिए क्या करना, बोले अपन ऐसे करें कि अपने ठाकुर जी को अपन ठाकुर जी नहीं कहकर डेमो कह दे तो। तुम्हें क्या डेमो भी कह सके? तू नहीं कह सके ऐसी बात नहीं, डेमो करके डेमोन्स्ट्रेशन के भी तो पैसा ले सके, पर रसीद काय की छापेगो, डेमो की छापेगो के सेवा की छापेगो? बोले रसीद तो नहीं, डेमो की छापे तो भेंट ही नहीं धरेगो वैष्णव। अरे मन क्या जो वैष्णव भेंट नहीं धरेगो तो रसीद में तो तू कह रहे हो कैसो ठाकुर जी की भेंट सामग्री के रसीद है, और मन मन में तू मलक रहे हो कहे तो तेरे डेमो को ठाकुर जी है, सच्चे ठाकुर जी नहीं है। तो इनकी कोर्ट को जाके पूछ लेना कि कोर्ट स्पष्ट कह रही है कि तुम पब्लिक को पैसा ले रहे हो तो ठाकुर जी तुम्हारा नहीं है, पब्लिक को है। अब बालकें क्या चतुराई करें? देखो हमारे पप्पू में भी यों पप्पू हैं, पर अक्कल या बात की बहुत ज्यादा है, या बात की अक्कल पप्पू में भी बहुत ज्यादा है कि रसीद में ऐसे लिखने हैं वैष्णवन को कि महाराज की भेंट के पैसा है, फिर तो देवद्रव्य नहीं है ना। तो ऐसी रसीद फाड़ रहे होते एक पप्पू, एक वैष्णव गए वहां के यहां, वहां ने रसीद फड़वाई कि ठाकुर जी की सामग्री की भेंट
रसीद में लिखे हुए सामग्री की भेंट, रसीद में छपे हुए महाराज की भेंट, ये पप्पूवाद हो गया कि नहीं पाछो? रसीद में छपे हुए महाराष्ट्र की भेंट की रसीद, और सामग्री की वो जो भेंट की जो आइटम की डिटेल हो है कि गाय की भेंट और या की भेंट और वाह की भेंट, वह डिटेल में लिखे हुआ सामग्री भेंट की रसीद ठाकुर जी की। तो तुम ठाकुर जी को जो भोग धर रहे हो, खुद अपना भोग धर रहे हो कि वैष्णव की तरफ से भोग धर रहे हो? वैष्णव की तरफ से भोग धर रहे हो, खुद को तुम्हारा भोग धर रहे हो, तो भाई निश्चित समझ जाओ कि तुम आचार्य को रोल नहीं अदा कर रहे हो, पुरोहित को रोल अदा कर रहे हो। तो फिर अपने